दोस्तों सोशल स्किल्स डेवलपमेंट के पैटर्न में हमने कम्युनिकेशन स्किल, एंगर मैनेजमेंट, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस पर डिस्कस किया था। अब हम बात करेंगे सोशल स्किल्स डेवलपमेंट की बाकी स्किल्स पर। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। स्ट्रेस मैनेजमेंट। जैसे आज दुनिया की टेक्नोलॉजी और अर्थव्यवस्था एडवांस हो चुकी है, इंसान ने आज नई नई टेक्नोलॉजी से सब कुछ आसान बना दिया है। अब हर कार्य तकनीक से जल्दी हो जाता है, कहीं ये वरदान है तो कहीं अभिशाप भी है। उसी प्रकार से स्ट्रेस यानी कि तनाव आज इंसान के जीवन में एक अहम हिस्सा बन चुका है, खासतौर से हमारी यंग जनरेशन में। इस तरह की समस्याएं बहुत अधिक देखने को मिल रही हैं, जिसे स्ट्रेस एंजाइटी का नाम दिया गया है। जिंदगी की इस भागदौड़ में छोटे बच्चे से लेकर आम आदमी तक सब स्ट्रेस से घिर चुके हैं, चाहे वो बच्चों के करियर के बारे में हो या ऑफिस के काम को लेकर, पर्सनल रिलेशन हो या सोशल रिलेशन, हर चीज़ में स्ट्रेस ने अपनी जगह बना ली है। हम यह अच्छी तरीके से जानते हैं कि यह फिजिकली और मेंटली तरीके से हमारे दिमाग पर इफेक्ट डालता है, उसे कमज़ोर करता है, फिर भी हम इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्यों? चलिए जानते हैं। स्ट्रेस को कम करने के लिए जब भी आपको लगे तनाव आपके दिमाग पर हावी हो रहा है तो गहरी सांस लेना शुरू कर दें। आप लंबी सांस लें और फिर धीरे धीरे से छोड़ें। इस प्रोसेस से तनाव को कम करने में मदद मिलती है। व्यक्ति को हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, उस काम को बारे में उसे ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। दोस्तों काम को कभी भी अपने ऊपर हावी न होने दें, उस काम को नेगेटिव वे में ना सोचकर पॉजिटिव वे में सॉल्व करना चाहिए और इस तरीके से भी आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। गहरी सांस लेने के साथ हमारा ब्रेन अच्छा फील करता है। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारा सिर बहुत ही हल्कापन महसूस करता है और स्ट्रेस लेवल भी घटने लगता है और आप पहले की तुलना में बहुत अधिक एनर्जेटिक फील करते हैं। फिफ्थ टॉपिक है हमारा रेस्पेक्ट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सम्मान और जिम्मेदारी। हमें बचपन से अपने माता पिता के द्वारा यह सिखाया जाता है कि हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पर बड़ों का सम्मान करना हमारे लिए ज़रूरी होता है। यह हमारी सोशल स्किल्स को दर्शाता है और इससे दूसरों के मन में हमारे प्रति पॉजिटिव थॉट उत्पन्न होते हैं। दोस्तों इंसान एक सामाजिक प्राणी है, वह किसी न किसी तरीके से समाज से जुड़ा हुआ है, तो इसमें छोटे बड़े बुजुर्ग का सम्मान करना और सामाजिक गुणों को दर्शाता है। इससे यह पता चलता है कि व्यक्ति को बचपन से उसके माता पिता के द्वारा अच्छे संस्कार दिए गए हैं। व्यक्ति के चलने, बोलने, खाने पीने आदि से पता चल जाता है कि वह किस तरह के परिवार से संबंध रखता है। दोस्तों बुजुर्गों की पुरानी कहावत है, जो माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करता है और उनकी सेवा करता है, उसकी आयु, विद्या, यश और बल चारों चीज़ बढ़ते हैं। संस्कृत में एक श्लोक है, अभिवादनशीलस्य नृत्य वधु पसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। रेस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों इस दुनिया में हर कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, चाहे वह स्टूडेंट हो, आम आदमी हो या फिर हमारे माता पिता। जीवन में रेस्पॉन्सिबिलिटी का भी होना बहुत ज़रूरी है, उससे भी जरूरी है जीवन में मिलने वाली जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाना। दोस्तों एक सफल जीवन के लिए व्यक्ति को यह चार जिम्मेदारियाँ जरूर निभानी चाहिए। पहली, खुद के प्रति जिम्मेदारी यानी कि सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरी, परिवार के प्रति जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फैमिली। थर्ड, समाज के प्रति जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सोसाइटी। फोर्थ, देश के प्रति जिम्मेदारी यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंट्री। लास्ट टॉपिक है हमारा फ्रेंडशिप एंड पीयर प्रेशर, यानी कि दोस्ती और साथियों का दबाव। दोस्ती एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के अर्थ निकलते हैं। टीनेज में बच्चों को फ्रेंडशिप का शौक होता है, माता पिता भी बच्चों को फ्रेंडशिप करने के लिए प्रेरित करते हैं, साथ ही वो चिंता भी करते हैं कि उनके बच्चे के लिए दोस्ती किस हद तक साबित होगी। टीनेज में बच्चों को फ्रेंडशिप के बारे में सही गलत का ज्ञान नहीं होता, वो जिसके पास बैठते हैं, साथ खाना खाते हैं, साथ बातें करते हैं, वही उनका दोस्त बन जाता है। छोटी उम्र में बनाए गए दोस्त बाद में बड़े होने पर पक्के दोस्त बन जाते हैं, फिर उनको आपसी बातों में भी गलत बात भी सही लगने लगती है, फिर वह यह सोचते हैं कि वह तो उस बचपन से जानता है, वह गलत हो ही नहीं सकता, इसलिए वो इस पर विश्वास कर लेते हैं। जिन दोस्तों को हम चुनते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से हम पर असर डाल सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसे दोस्त चुनता है जो पॉजिटिव तरीके से उसको गाइड कर सके तो यह पॉजिटिव और हेल्दी प्रेशर होता है, लेकिन इसकी जगह अगर दोस्ती गलत आचरण को बढ़ावा दे तो यह साफ तौर पर दोस्ती में हेल्दी रिलेशन नहीं रहता। कहते हैं व्यक्ति के बिगड़ने या सुधरने पर फ्रेंडशिप सर्कल पर डिपेंड करता है। पॉजिटिव फ्रेंडशिप सही आचरण को बढ़ावा देने वाली होती है। जो आपका सच्चा दोस्त होगा वो आपको फिजिकल एक्टिविटी के लिए बढ़ावा देगा, आपको हमेशा पढ़ाई के लिए प्रेरित करेगा, आपके साथ सुख दुख में साथ देगा, आपको अच्छे आचरण की ओर बढ़ने के लिए आपकी मदद करेगा। लेकिन नेगेटिव फ्रेंडशिप में वो दोस्त कभी भी आपको अच्छी चीज़ों के लिए प्रेरित नहीं करेगा, वो हमेशा तुम्हारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। ऐसे दोस्त हमेशा मौज मस्ती के साधनों जैसे कुछ अनहेल्दी सोशल स्टेटस के लिए आप पर दबाव बनाते हैं।
ऐसी ही जो भी दोस्ती हम चुनते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से हम पर असर डाल सकती है। एडोलेसेंस जिंदगी का बहुत ही अहम व प्रभावशाली समय होता है। ऐसे में दोस्ती का चुनाव बहुत ही ध्यान से करना चाहिए ताकि दोस्ती और भी मजबूत हो सके, जिससे वह हेल्दी और ज़्यादा समय तक टिकने वाली दोस्ती बन सके, जो आपका आपकी ज़िंदगी में क्या सही है क्या गलत है उसका सही फैसला कर सके। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सोशल स्किल्स डेवलपमेंट पर अपना टॉपिक पूरा किया है। वैसे एक सभ्य समाज निर्माण करने के लिए सोशल स्किल डेवलपमेंट काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।